अगर आप भी उन्हीं पुरुषों में से हैं जिनका ठीक से इरेक्शन नहीं आ पाता है तो ये चीज आपकी मदद करेगी। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे नुस्खे के साथ आई हूँ जिसे आपको संभोग करने से एक घंटे पहले लेना है और फिर उसके बाद जब आप संभोग करोगे तो एक घंटे से पहले आप हटोगे नहीं बिस्तर से। पर ये नुस्खा क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई यौन रोग या गुप्त रोग से जुड़ी हुई समस्या है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम जो भी नई वीडियो डालें उसकी अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। तो जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी वो इस खास चीज की मदद से बनाया जाएगा जो कि आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये नुस्खा उन पुरुषों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है जो 30 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि इस एज के बाद पुरुषों में पुरुषार्थ की कमी आने लगती है और उनके शरीर को ताकत की जरूरत होती है जो कि आप इस नुस्खे की मदद से पूरा कर पाएंगे। आइए तो जानते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इसे बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस नुस्खे में आपको सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल करना होगा और वो है स्टार एनिस। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसका नाम है स्टार एनिस। ये एक बहुत ही ताकतवर चीज है जो कि मसाले के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। पहले के जमाने में भी लोग ताकत बढ़ाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया करते थे। इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है जो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती है और आपकी संभोग करने की ताकत जो है वो दुगनी हो जाती है। अब बात आती है कि आपको इस नुस्खे को बनाना कैसे है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको स्टार एनिस सीड के पाउडर की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे अच्छे से पीस लेना है और आप इसका पाउडर बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लें तो आपको इसकी आधा चम्मच लेनी है और इसे दूध में अच्छे से बॉइल करना है। आधा चम्मच से ज्यादा ना लें क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद जब दूध अच्छे से बॉइल हो जाए तो आप इसे छानकर बिस्तर में जाने से एक घंटा पहले पी लें जिससे ये अच्छे से काम करना शुरू कर दे। आप चाहे तो आप दूध उबालते समय उसमें एक चम्मच मिश्री भी ऐड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। चीनी का यूज ना करें क्योंकि मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए चीनी से ज्यादा मिश्री फायदेमंद होती है। इस नुस्खे को आपको बस कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल करना है और फिर आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी ताकत पहले कितनी थी और इसे इस्तेमाल करने के बाद कितनी हो गई। इसे इस्तेमाल जरूर करिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। ऐसे और भी किसी नुस्खे के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।